पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर को हिंदुओं के चार धामों में से एक गिना जाता है। यह वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। पुराणों में इसे धरती का बैकुंठ कहा गया है। इस मंदिर का वार्षिक रथ यात्रा उत्सव विश्व भर में प्रसिद्ध है। इसमें मंदिर के तीनों मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और भागनी सुभद्रा तीनों अलग अलग भव्य और सुसज्जित रथों में विराजमान होकर नगर की यात्रा को निकलते हैं। मध्यकाल से ही यह उत्सव अतीत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसके साथ ही यह उत्सव भारत के ढेरो वैष्णव कृष्ण मंदिर में मनाया जाता है एवं यात्राएं भी निकाली जाती है। यह मंदिर वैष्णव परंपराओं और संत रामानंद से जुड़ा हुआ है। यह गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के लिए खास महत्व रखता है। इस पंथ के संस्थापक श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान की ओर आकर्षित हुए थे और कई वर्षों तक पुरी में ही रहे थे। इस स्थान पर अनगिनत भक्त शांति की खोज में हर साल पहुंचते हैं, जो जगन्नाथ मंदिर के त्रय देवताओं द्वारा प्रदान की जाती है। भगवान जगन्नाथ अर्थात ब्रह्मांड के भगवान, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा मंदिर अपनी शानदार चमक के साथ आपको शास्त्रीय युग में ले जा सकता है। मंदिर में बजती घंटियां, 65 फुट ऊंची अद्भुत पिरामिड संरचना, हर एक जानकारी से खुद ही उत्कीर्ण दीवारें भगवान कृष्ण के जीवन का चित्रण करते हैं। अब बात करते हैं जगन्नाथ मंदिर के इतिहास की। गंग वंश के हाल में ही अन्वेषित ताम्रपत्रों से यह ज्ञात हुआ है कि वर्तमान मंदिर के निर्माण कार्य को कलिंग राजा अनंत वर्मन चोड़गंग देव ने आरंभ कराया था। मंदिर के जगमोहन और विमान भाग इसके शासन काल 1078-1148 में बने। फिर सन 1197 में जाकर ओडिशा शासक अनंग भीम देव ने इस मंदिर को वर्तमान रूप दिया। मंदिर में जगन्नाथ अर्चना सन 1558 तक होती रही। इस वर्ष अफगान जनरल काला पहाड़ ने ओडिशा पर हमला किया और मूर्तियां तथा मंदिर के भाग ध्वंस किए और पूजा बंद हो गई तथा विग्रह को गुप्त में चिलिका झील के स्थित एक द्वीप में रखा गया। बाद में रामचंद्र देव के खुर्दा में स्वतंत्र राज्य स्थापित करने पर मंदिर और इसकी मूर्तियों की पुनर्स्थापना की गई। कुछ इतिहासकारों का विचार है कि इस मंदिर के स्थान पर पूर्व में एक बौद्ध स्तूप होता था। उस स्तूप में गौतम बुद्ध का एक दांत रखा था। बाद में इसे इसकी वर्तमान स्थित कैंडी श्रीलंका पहुंचा दिया गया। इस काल में बौद्ध धर्म को वैष्णव संप्रदाय ने आत्मघात कर लिया था और तभी जगन्नाथ अर्चना की लोकप्रियता पाई। यह 10वीं शताब्दी के लगभग हुआ जब उड़ीसा में सोमवंशी राज्य चल रहा था। अब बात करते हैं मंदिर से जुड़ी कथाओं की। इस मंदिर के उद्गम से जुड़ी परंपरागत कथा के अनुसार भगवान जगन्नाथ की इंद्रनील तथा नीलमणि से निर्मित मूल मूर्ति एक अगरु वृक्ष के नीचे मिली थी। यह इतनी चकचौंध करने वाली थी कि धर्म ने इसे पृथ्वी के नीचे छुपाना चाहा। मालवा नरेश इंद्र दुमन्य को स्वप्न में यही मूर्ति दिखाई दी थी। तब उसने कड़ी तपस्या की और भगवान विष्णु ने उसे बताया कि वह पुरी के समुद्र तट पर जाए और उसे एक लकड़ी का लट्टा मिलेगा, उसी लकड़ी से वह मूर्ति का निर्माण कराए। राजा ने ऐसा ही किया और उसे लकड़ी का लट्ठा मिल भी गया। उसके बाद राजा को विष्णु और विश्वकर्मा बढ़ई कारीगर और मूर्तिकार के रूप में उसके सामने उपस्थित हुए, किंतु उन्होंने यह शर्त रखी कि वह एक माह में मूर्ति तैयार कर देंगे, परंतु जब तक वह एक कमरे में बंद रहेंगे और राजा या कोई भी उस कमरे के अंदर नहीं आए। माह के अंतिम दिन में जब कई दिनों तक भी कोई आवाज नहीं आई तो उत्सुकतावश राजा ने कमरे में झांका और वह वृद्ध बाहर आकर उसने राजा से कहा कि मूर्तियां अभी अपूर्ण है, उनके हाथ अभी नहीं बने हैं। राजा के अफसोस करने पर मूर्तिकार ने बताया कि यह सब देववश हुआ है और यह मूर्तियां ऐसे ही स्थापित होकर पूजी जाएंगी। तब
वहीं तीनों जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां मंदिर में स्थापित कर दी गई। जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी एक बेहद रहस्यमय कहानी भी प्रचलित है, जिसके अनुसार मंदिर में मौजूद भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर स्वयं ब्रह्मा विराजमान है। ब्रह्मा कृष्ण के नास्वर शरीर में विराजमान थे और जब श्री कृष्ण की मृत्यु हुई तब पांडव ने उसके शरीर का दाह संस्कार कर दिया था, लेकिन कृष्ण का दिल जलता ही रहा। ईश्वर के आदेशानुसार पिंड को पांडव ने जल में प्रभावित कर दिया। उस पिंड ने लट्टे का रूप ले लिया तथा राजा इंद्रद्युम्न जो कि भगवान जगन्नाथ के भक्त थे को यह लट्ठा मिला और उन्होंने इसे जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर स्थापित कर दिया। उस दिन से लेकर आज तक वह लट्ठा भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर है। हर 12 वर्ष के अंतराल के बाद जगन्नाथ की मूर्ति बदलती है, लेकिन यह लट्ठा उसी में रहता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं और भी जानकारी से भरपूर वीडियो आपके लिए ला सकूं। तो गुड बाय दोस्तों, अगली वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत।